परिवार में जन्म लेकर नास्तिक बने व्यक्ति पर शरीयत के प्रावधानों से चलने की बाध्यता क्यों? सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर सुनवाई के लिए हुआ तैयार। मुस्लिम परिवार में जन्म होने के बावजूद नास्तिक व्यक्ति पर क्या शरीयत की जगह सामान्य सिविल कानून लागू हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम सवाल पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। याचिका केरल की रहने वाली साफिया पीएम नाम की लड़की ने दाखिल की है। उसका कहना है कि शरीयत के प्रावधान के चलते पिता चाह कर भी उसे अपनी एक तिहाई से अधिक संपत्ति नहीं दे सकते हैं। बाकी संपत्ति पर भविष्य में पिता के भाइयों के परिवार को कब्जा हो जाने की आशंका है। दरअसल याचिकाकर्ता और उसके पिता नास्तिक हैं, लेकिन जन्म से मुस्लिम होने के चलते उन पर शरीयत कानून लागू होता है। याचिकाकर्ता का भाई डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी के चलते असहाय है, वो उसकी देखभाल करती है। शरीयत कानून में बेटी को बेटे से आधी संपत्ति मिलती है, ऐसे में पिता बेटी को एक तिहाई संपत्ति दे सकता है, बाकी दो तिहाई उन्हें बेटे को देनी होगी। अगर भविष्य में पिता और भाई की मृत्यु हो जाएगी तो भाई के हिस्से वाली संपत्ति पर पिता के भाइयों के परिवार का दावा बन जाएगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि संविधान का अनुच्छेद लोगों को अपने धर्म का पालन करने का मौलिक अधिकार देता है। यही अनुच्छेद इस बात का भी अधिकार देता है कि कोई चाहे तो नास्तिक हो सकता है। इसके बावजूद सिर्फ किसी विशेष मजहब को मानने वाले परिवार में जन्म लेने के चलते उसे उस मजहब का पर्सनल लॉ मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। वकील ने यह भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ता और उसके पिता लिखित में ये कह देते हैं कि वो मुस्लिम नहीं है, तब भी उनकी संपत्ति पर उनके रिश्तेदारों का दावा बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को अहम बताते हुए कहा, एटर्नी जनरल से कहा कि वो उसकी सहायता के लिए किसी वकील को नियुक्त करें। दरअसल शरीयत एक्ट की धारा 3 में प्रावधान है कि मुस्लिम व्यक्ति को ये घोषणा करता है कि वह शरीयत के मुताबिक उत्तराधिकार के नियमों का पालन करेगा, लेकिन जो ऐसा नहीं करता उसे भारतीय उत्तराधिकार कानून का लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि उत्तराधिकार कानून की धारा 58 में ये प्रावधान है कि ये मुसलमानों पर लागू नहीं हो सकता है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा कि हिंदू परिवार में जन्म लेकर हिंदू धर्म के अनुसार ना चलने वाला पर तो सामान्य धर्म निर्देशक कानून लागू होते हैं, लेकिन मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर इस्लाम को ना मानने वालों को शरीयत कानून के अनुसार ही चलना पड़ता है। इस पर विस्तार से सुनवाई जरूरी है। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें इस कानून को लेकर, और देखते रहिए एबीपी लाइव।